नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाएं प्री प्लस मेंस की बैच की इस क्लास में। जो भी बच्चे ऐप पे देख रहे हैं, देखिए आजकल ऐप पे थोड़ा काम भी चल रहा है और इंटरनेट इशू भी चल रहा था एक दो दिन से। अब इंटरनेट इशू तो ख़त्म हो गया, तो ऐप पे अगर कोई दिक्कत होता है तो आप तुरंत यूट्यूब पे स्विच कर दीजिएगा। यूट्यूब पे केवल आज और कल 2 दिन क्लास और चलेगी, उसके बाद आपकी ऐप पे एकदम बढ़िया तरीके से चलेगी जैसी चलती आई है। कुछ अपडेट हम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कभी प्रॉब्लम हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, है ना। तो अपडेट अपडेशन में देखिए जरूरी है, अपडेट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए कंटेंट में भी अपडेट करना, एप्लीकेशन में भी अपडेट करना, ये सारी चीज़ें जरूरी रहती हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऐप पे देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आप यूट्यूब पे आ सकते हैं या फेसबुक पे भी आ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे कल, हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई कल की क्लास में मैंने आपको, ठीक है। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं देखिए, सबसे पहले मेरा मानना ही है कि अगर परसेंटेज का आपको बेसिक जो होता है ये पूरा आपको इस तरीके से बता दिया जाए कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको उस टाइम ये ना लगे कि यार ये कुछ नया है, तो बेसिक में ही वो सारा पार्ट हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा, कल हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आज हम कई देखिए कई बार होता है, बात ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि मेरा वजन आपसे 20% है, मेरी आय आपसे 20% है, ठीक है, मेरी हाइट आपसे 120% है, मैंने इस तरीके से बोला, इतने परसेंट है, ठीक है। तो उस केस का मतलब होता है इक्वल है। कई बार ये होता है कि बंदा ये बोलता है मेरी जो हाइट है आपसे 20% अधिक है, कई बार बोलता है 20% कम है, ठीक है। देखिए बात समझिएगा दोनों सारी चीजों का, ये सारी लैंग्वेज एक बारी में क्लियर होनी चाहिए और ये दिमाग में रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेरा वेट बीस परसेंट है आपके वेट से, ठीक है, 20% है आपके वेट से। 20% होने का मतलब 20% होता है 1/5, इसका मतलब आपका 5 है तो मेरा 1 है, यू मी, ठीक है। 20% मेरा वेट 20% है आपके वेट से, ठीक है। दूसरा हो गया, मेरा वेट 20% ज्यादा है आपके वेट से, इस बात का मतलब क्या हो गया कि 5 अगर आपका था तो मेरा 1 ज्यादा हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, तो आपका 5 हो गया मेरा 6 हो गया। इसी में 20% कम भी हो सकता है, 20% कम होने का मतलब है आपका अगर 5 है तो मेरा 1 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक हमेशा इस तरीके से पढ़िए, ये आपका ये मेरा, ठीक है। 20% है, 20% ज्यादा है, 20% कम है, ठीक है, ये आ गया। 20% कम है को कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी बात समझिए, अगर कई जगह आप ये देखते हैं ए इज 20% लेस देन बी, तो ऐसा नहीं है कि आप 20% लेस करेंगे, आप सीधा देखिए मेरा अगर वेट या मेरे पास जो नंबर है वो आपके नंबर से 20% कम है, इसका मतलब क्या है, वो 80% है। 20% लेस का मतलब क्या हुआ कि 80% है, 30% लेस का मतलब क्या हुआ कि 70% है। तो इन चीजों को इस नजरिए से देखने की आदत डालिए, बार बार ऐसा नहीं करेंगे 100 माइनस करके या 100 प्लस करके, ठीक है, वो बात समझनी है आपको। अब आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 4% इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब जो आपने परसेंटेज पढ़ी है ना वो परसेंटेज डायरेक्ट यूज नहीं होंगी, बहुत कम जगह यूज होंगी, ज्यादातर इंक्रीज या डिक्रीज रहता है। अगर आपसे बोला गया 4% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, 4% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 4% होता है 1/25, ठीक है। तो 1/25 का मतलब 25 में 1 बढ़ जाएगा 26/25, ठीक,
ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। पर आपको ना बीच में स्विच नहीं करना, 4% इंक्रीमेंट को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 26/25। मैं जैसे कि मैंने आपसे बोला 45% की कमी हो गई, ठीक है, 45% की कमी होने का मतलब क्या होगा, किसी नंबर में अगर 45% की कमी हो गई इसका मतलब वो कितना हो गया, 55%, 55% हो गया। 55% होने का मतलब क्या है, 5% होता है आपका 1/20, 55% का मतलब हो गया 11/20। तो जहां किस बंदे ने ये बात करी तो वहां से आपको डायरेक्ट ये कंक्लूजन निकालना कि इसका मतलब 11/20 होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, 125% का इंक्रीमेंट, इस बात का क्या मतलब है, बता सकता है कोई, फ्रैक्शन में इसे क्या बोलेंगे, 125% का इंक्रीमेंट होता है, बताइए क्या मतलब है, जल्दी से बताइए 125% का क्या मतलब है, 125% इंक्रीमेंट का। देखिए 125%, 125% यानी आपको एक बात पता है कि 25% होता है 1/4, तो 4 तो हो गई, 125% का मतलब हो गया 5/4, परंतु यहां पर क्या पूछा है उसने, 125% का इंक्रीमेंट है, यानी जो यूनिट 4 थी उसमें 5 का इंक्रीमेंट होगा, 5 का इंक्रीमेंट होगा तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखने से पता लग रहा है 125% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225% हो जाएगी, ठीक है। 100% तो वो थी, 125% इंक्रीमेंट हो गया, 225% हो गया। आप फ्रैक्शन देखिए, 225% की आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है, 9/4, तो ये 225% हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आते हैं इस चार्ट के साथ, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, सभी से ये कहूंगा कि चीजों को इसी तरीके से समझना है, क्योंकि परसेंटेज जगह जगह इस्तेमाल होना है, और अगर इस तरीके से पढ़ रखा है तो आप देखिए कैलकुलेशन की दिक्कत भी नहीं होगी। 100%, 1%, 10%, 50%, 200%, 200% का मतलब होता है इंटू टू, 50% का मतलब होता है इंटू हाफ, ठीक है। अब आते हैं 1% और 10%। अगर कोई नंबर है आपके सामने 280, इसका 1% आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2.8 हो गया। अगर आपको 10% निकालना है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो कोई भी नंबर हो, ऐसा मान लेते हैं, जैसे मैंने ये देखा 52.7, अगर मेरे को 1% निकालना है तो एक और दो, दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, और अगर मेरे को 10% निकालना है तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ऐसे में कोई बड़ा नंबर देखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर देखा 583.7, अगर मेरे को 1% निकालना है, 1% किसके बराबर आ जाएगा, आप देखते हैं डेसिमल यहाँ चले जाएगा 5.837, अगर 10% निकालना है 58.37, ठीक है। तो ये 1% हो गया और 10% हो गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 50%, 200% तो आप निकाल सकते हैं हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, पर ये 1% और 10% इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आइए एक बार और देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक आध, पूरा पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला 48/500, आप डीआई करते हैं, डीआई में जगह जगह परसेंटेज का रोल आता है, चीजों को समझिए उसके हिसाब से करिए। अब जैसे मान लेते हैं 48/500 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 5 होता, अगर 5 होता तो 1% होता, 5 का कितने गुना है ऊपर, 9 गुना, तो 9% तो ये हो गया, ठीक है। बाकी बचा क्या, 3 बचा, ठीक है, 3 बच गया आपका, 3/5 क्या हो गया आपका, 0.6, तो 9.6% आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक बार और, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए आप ये भी कर सकते थे 48/500, आपको लगेगा ये तो मैं यूं मल्टीप्लाई करूंगा और इससे जीरो से जीरो काटूंगा, 5 से काटूंगा, आंसर आ जाएगा, पर
ये जब तक जीरो कट रहे हो तब तक तो ये आंसर इस तरीके से आएगा, पर जीरो नहीं कटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आपने देखा ये 500 है, अगर ये 50 होता ऊपर तो 10%। इस तरीके का नजरिया डालना आप सभी को, क्योंकि पूरे चैप्टर में आगे हम परसेंटेज इसी तरीके से ही करेंगे। 5 होता तो 1%, 5 का मल्टीपल मैं देखता हूँ 9 बारी में जाएगा, तो मैंने देखा आंसर 9 और 10% के बीच में आएगा। तो कई जगह हम ऑप्शन से काम करेंगे जहां हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो वहां मैं सीधा बोलूंगा देखिए आंसर 14 से बड़ा आएगा। डीआई वगैरह में मैक्सिमम जगह ये चीज इस्तेमाल होती है कि आप केवल अंदाजा लगा के ये बता सकते हैं कि परसेंटेज किसके करीब होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैंने यहां पर लिया 58/400। ठीक है, बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, 58/400। अब मैं देखता हूं 40 तक तो कितना हो गया, 40 तक हो गया 10%। ठीक है, उसके बाद 4 मुझे पता है 1% के बराबर है। ये क्या है, इनको देखने का नजरिया देखिए, 40 प्लस 16 प्लस 2। आप ये भी कर सकते थे कि भाई अगर 4 है, 4 से भाग करेंगे 14 बारी में, 14% तो ये हो गया, बचा क्या 2। 2 क्या है, 4 का आधा है, 4 का आधा यानी 0.5%, तो 14.5% बोल देते आप। ठीक है, ये चीज जब तक 0 0 है तब तक तो आपको बहुत आसान लगेगी, पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे ये चीज मुश्किल होती रहेगी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मैंने एग्जांपल लिया ये 80 है, ये 320 है। ठीक है, 80/320 तो सिंपल हो गया, थोड़ा मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया ये 70, ये 320। ठीक है, आप देखते हैं 32 दूनी 64, 64 प्लस 6, इस तरीके से देखिए 32 दूनी 64, 32 होता तो 10% होता, तो 20% तो वही हो गया। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं 3.2 1% के बराबर है, 6.4 2% के बराबर होगा, यानी इसके अंदर 1 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा पर 2 नहीं जुड़ेगा, 1 प्लस 0 पॉइंट कुछ, यानी इसका जो आंसर आएगा 21 से बड़ा आएगा और 22 से छोटा आएगा। ठीक है, ये चीजें लगातार आपकी आगे यूज होने वाली हैं, जब आप डीआई करेंगे, जब परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, जहां अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, आपको ये चीज इस तरीके से दिखनी चाहिए। इसमें लिखना नहीं है आपको, ये विजुअलाइजेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं ऊपर लिखा है 40, नीचे लिखा है 180। ठीक है, 180 नहीं, थोड़ा डिपिकल ले लेते हैं, रुक जाइए, 340, ऊपर लिखा है 51। ठीक है, मान लेते हैं ये परसेंटेज मेरे को निकालनी है, ऊपर 51 है, नीचे 340 है। ठीक है, 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, मान लेते हैं 53 है, ये परसेंटेज मेरे को निकालनी है। ठीक है, बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं देखता हूं क्या, अगर 34 होता है तो 10% हो जाता है, 34 के अलावा क्या बचा, 19। 19 3.4 का कितने टाइम जाएगा, 3.4 को अगर मैं 6 से करता हूं तो 20 के करीब जाता है, 5 से करता हूं 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 यानी 17, तो 17 अगर होता है तो 5, तो 5 प्लस, यानी कहने का मतलब है जो आंसर आएगा 15 पॉइंट कुछ% आएगा। ये तरीका है अप्रोक्सीमेट परसेंट निकालने का, जो हम काफी जगह इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से सभी को वाई टाइप करना है, हाँ वाई टाइप करना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन जो है आपकी डीआई, अलग अलग क्वेश्चन की जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे वहां इस्तेमाल होंगे ये सारी चीज। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं मैंने नीचे लिखा 5 4 3,
ठीक है, नीचे लिख दिया 543, ऊपर मैं लिखता हूं 120, ठीक है। मान लेते हैं ये परसेंटेज मुझे निकालनी है, नीचे 543 है, ऊपर 120 है, ठीक है। अब मैं देखता हूं अगर ये इतना होता 54.3, ठीक है, तो क्या होता 10% होता, उसका दुगना कितना हो गया 108.6, 108.6 जो हो गया वो 20% हो गया। अब बचा कितना है आपका, बचा कितना है 12, 11.4, 11.4 के अंदर आप कितनी परसेंटेज ले सकते हैं, इसके हिसाब से 5.4 जो है वो 1% के बराबर है, 10.8 2% के बराबर, तो आप 2% और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर लगभग, तो जो आंसर आएगा वो 22% के ऊपर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लगभग लगभग कैलकुलेट कर रहे हो, लगभग लगभग बहुत सारी जगह यूज होता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से देखिए, ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अगर ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत रहेगी आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए एक एग्जांपल वो ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। परसेंटेज परसेंटेज पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, पर बेसिक क्या, बेसिक में कमांड है उतनी, वो बहुत जरूरी है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लेते हैं मैंने लिखा 9:30 है ना, ये लिख दिया मैंने नीचे, ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा मैंने 193, ये लिख दिया मान लेते हैं, ठीक है। मुझे परसेंटेज निकालनी है, 93 अगर होता तो कितना परसेंट आता, 10% आता। 93 का दो बारी में जाएगा 186, तो 20% तो होगा ही होगा। 186 के अलावा क्या बचा, 7 बचा, क्या 7 इंक्रीज होने से 10% बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, 1% बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, तो आंसर 20% से बड़ा होगा और 21% से छोटा होगा। तो इस तरीके से लगभग आप आंसर निकाल सकते हैं, काफी जगह इस्तेमाल करेंगे हम इस चीज को, इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूं, एक एक बच्चे को बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं अब एक एक बच्चे को बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका भी बताऊंगा, पर अभी पहले बच्चे की इस पे तो कमांड हो। अब आपको परसेंटेज ही निकालना ढंग से नहीं आता, आप काटते हैं लगातार, ये काटने वाला प्रोसेस नहीं है। एक बार दोबारा से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने नीचे लिखा 450, ठीक है, ऊपर लिखा मैंने, ऊपर लिखा मैंने, ये मैंने लिख दिया 96, 96 छोड़िए 97, ये लिख दिया मैंने। लगभग परसेंटेज बताइए कितना आएगा, किससे ज्यादा और किससे कम, 1% का ही गैप आएगा मुश्किल से, वो हमेशा ऐसे ही होगा। आपने देखा 45 दूनी 90, 20% तो होगा ही होगा, है ना, और 4.5 और जुड़ गया अगर तो 21% भी हो गया, पर 7 जोड़ना है, अगला परसेंट कब जुड़ता है, जब 9 होता, 21 से बड़ा और 22 से छोटा मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, 21 से बड़ा और 22 से छोटा, ध्यान से देखिएगा। अब आप अपने मन से पूछिएगा, क्या आज तक आपने कभी देखा है कि इस तरीके की कैलकुलेशन आपने दिमाग में करी हो डायरेक्ट, तो वो चीज बहुत बड़ी है भाई। 45 अगर होता तो 10%, 45 का दुगने में जाएगा 20%, ठीक है, 90 के अलावा क्या बचा, 7, अगर 4.5 होता तो 1%, चलिए भाई 1% और जोड़ दिया, 4.5 के अलावा क्या है, 2.5 है यहाँ पर, ठीक है, 4.5 के अलावा क्या है, 2.5 हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 1% और नहीं बढ़ेगा, तो 20, 21, 21 और 22 के बीच में रहेगा, 21 और 22 के बीच में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने लिया है आपको वही लेना है। मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने आपसे बोला
459, ठीक है, मैंने ये बोला और ऊपर लिख दिया मैंने 200, बताइए तो सही लगभग कितना परसेंट रहेगा, लगभग बताइए। हाँ बताइए कितना परसेंट रहेगा, फोर्टी फाइव, 24 या 25, आइए देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पॉइंट लगाता हूं तो 10%, यानी 46 के करीब, 46 के करीब, 46 से अगर मेरे को 200 के करीब जाना है, चार गुना में जाऊंगा, 40 चौक 160, 6 चौक 24, 184, 184 तक तो कितना हो गया, 40%। बाद में कितना बचा, 16, 16 में कितनी परसेंट आएगी, अब देखिए ये तो नहीं हो सकता, डेसिमल में यहां लगा लेता हूं, 4.6, 4.6 अगर 1% के बराबर है तो 16 के अंदर कितना परसेंट आ जाएगा, 16 के अंदर अगर आप देखें, चार गुना तो नहीं कर सकते, तीन गुना ही करना पड़ेगा, तो 40 प्लस 3 प्लस कुछ तो 43 से बड़ा होगा, 43, 44 के करीब होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 43, 44। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए मैंने कोई नंबर अपनी तरीके से नहीं लिया, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने, 459 परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा, ऐसा नंबर कभी भी मिल सकता है, ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मान लेते हैं, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई अगर ये 120 है, ऊपर है आपका 43, तो बताइए तो सही लगभग कितना परसेंट आएगा ये। आपने क्या करा, आपने देखा कि भाई अगर 12 होता है तो 10%, 36 होता तो 30%, 36 के अलावा क्या बचा, 7 बचा, 1.2 अगर 1% है तो 7 के अंदर लगभग 6% और जुड़ जाएगा, तो कहने का मतलब है 36% से थोड़ा सा कम आएगा, 35 और 36 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है, वो एक बार एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अगर यही चीज मजबूत नहीं है, मैं आपको कितनी भी ट्रिक सिखा लूं, कितना भी परसेंटेज पढ़ा लूं, कितने भी क्वेश्चन करा लूं, इसकी वैल्यू ये कुछ भी करवा लूं, पेपर में साथ नहीं रहेगी। पेपर में साथ जब ही रहेगा जब बेसिक पूरा मजबूत होगा, और बेसिक यहीं से मजबूत होगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं, आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा बात, ये जो बात बताई है ना मैंने आपको, ये समझ लीजिए एक तरीके से ट्रिक तो नहीं है, पर आपको बहुत जगह काम आएगी। मैंने अपना बेसिक इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया और मैंने इस चीज को जगह जगह लगाया, DIVI में तो देखिएगा क्या मजा आ जाएगा ये लगाएंगे तो आप, ठीक है। ये चीज बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है आपकी, पर आपको मैंने आज करा दिया, अब आप ये देखिएगा कोई नहीं कराएगा इसे क्लास में, क्योंकि ये कैलकुलेशन हैबिट वाली चीज है, तो कैलकुलेशन की भी साथ के साथ हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। आइए देख लेते हैं, अगर मैं एक चीज देखता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे को एक चीज, ये देखिएगा पहले एक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर होता है वाई परसेंट ऑफ एक्स के, बराबर होता है एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है, बात का मतलब समझिएगा, इस बात का मतलब ये है कि जब तक एक्स वाई का प्रोडक्ट, इसका रीजन क्या कराने का भी पता लग जाएगा, देखिए सेम आता रहेगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, आंसर सेम रहेगा। भाई क्या तात्पर्य है इस बात का कि जब तक एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम आएगा, इसका आंसर सेम आता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये बराबर है तो परसेंटेज का साइन इंटरचेंजेबल है,
आप आगे वाले की परसेंटेज पीछे पे लगा सकते हैं, पीछे वाले की आगे लगा सकते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज यहाँ लगाएं या इसके साथ लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब तक एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम आता रहेगा, आंसर सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, ध्यान से बात समझिएगा, ध्यान से बात समझनी है आपको। 100% ऑफ 12, 50% ऑफ 24, 25% ऑफ 48, 12.5% ऑफ 96, 6.25% ऑफ 192, ठीक है, 200% ऑफ 6, और अगर मैं देखता हूं 3% ऑफ 400, 4% ऑफ 300, 5% ऑफ 240, 10% ऑफ 120। अब जितनी भी वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, ये इन सब का आंसर सेम ही है, इन सब का आंसर 12 है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, बहुत बारीकी से समझिए। देखिए 100% ऑफ 12 निकाल रहा हूं, आपने देखा प्रोडक्ट कितना आ गया 1200, इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 1200। तो जब तक ये प्रोडक्ट सेम रहेगा, जब तक ये प्रोडक्ट सेम रहेगा, आंसर सेम आता रहेगा, ठीक है। आपने देखा 6.25% ऑफ 192, तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते थे, इसी चीज को आप लिख सकते थे 192% ऑफ 6.25। अब ये देखने में अजीब सा लगता, पर किसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बहुत आराम से इस चीज को भी सॉल्व कर सकता है। परसेंटेज का साइन इंटरचेंजेबल है साथ के साथ, जब तक ये प्रोडक्ट सेम रहेगा आंसर सेम आता रहेगा, ठीक है। तो x परसेंट ऑफ y, y परसेंट ऑफ x के बराबर है, जो कि एक्स वाई अपॉन 100 के बराबर है। परसेंटेज का साइन इंटरचेंजेबल, ठीक है, ये आपने सीखा यहाँ पर साथ के साथ, ये देखा जब तक प्रोडक्ट सेम है। ये मैंने कैसे बना दिया, अपने आप ही बना दिया, और अपने आप में ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ। मुझे क्या पता लग गया 1200 बनाना है, 1200 आप किसी के साथ भी बना सकते हैं, 12% के साथ भी बना सकते हैं, 12% ऑफ 100, ठीक है, 12% ऑफ 100 करेंगे तो भी 1200 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एग्जामिनर लिख सकता है। हो सकता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हो, उसमें इस तरीके से लिखा हो सकता है सीजीएल का मेंस का एग्जाम हो, उसमें इस तरीके से लिखा हो उसी चीज को। एग्जामिनर केवल यही चेंज करता है, और हमें लगता है कि पैटर्न बदलाव हो गया, पैटर्न में बदलाव कुछ नहीं हुआ, चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका पलटता है बस, और कुछ नहीं पलटता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इन चीज का इस्तेमाल कहाँ होगा। अगर मैं बढ़ता हूं आगे, मैंने आपसे बोला एक कैलकुलेशन करनी है, देखिए इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपने कैलकुलेशन पे कितना कमांड किया है। 150 का 82% निकालना है आपको, बताइए तो सही जरा क्या आएगा 150 का 82%, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से क्या आएगा, 123। अब देखिए 31 आंसर कितना आ गया, 123, 123 मेरा आंसर। हेलो, आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी, आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है सबको, वाई टाइप करें अगर आवाज आ रही है, और स्क्रीन पे भी आ रहा है, सब बढ़िया आ रहा है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है, आ जाइए, चलिए जल्दी से आ जाइए वापस। मैंने आपसे पूछा था 16% ऑफ 50, 16% ऑफ 50 का मतलब है परसेंटेज का साइन मैं हटाता हूँ, इसके साथ लगा देता हूँ, 50% ऑफ 16 जो कि 8 हो गया। ये छोटी चीज है, पर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा लगातार चैप्टर में इसे इस्तेमाल करूंगा, तो अभी से ध्यान रखना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे पूछा 80
8.2% ऑफ 300, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा 8.2% निकालना है 300 का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर बता रहा हूं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज से दो जीरो कट जाती हैं, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज से दो जीरो कट जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई में आएगा तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, परसेंटेज से जीरो काट दिया, इसका 3 गुना 24.6, 24.6 आपका आंसर हो गया 24.6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लगातार देखते रहिए। 400 ऑफ 52.7%, ठीक है, 400 ऑफ 52.7%। अब मैंने आपको एक बात बोली थी अभी कि परसेंटेज से सीधा दो जीरो उड़ा दो, जब भी आपको ऐसा दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने परसेंटेज से दो जीरो उड़ा दी, बचा कितना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना हो गया, 7 चौक 28 यानी 2.8, इसका 4 गुना कितना हो गया, 208, 208 और 2.8 210.8, 210.8 मेरा आंसर हो जाएगा, 210.8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास के अंदर मैंने मैक्सिमम चीजें ऐसी ऐसी डिस्कस करी हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। अभी आगे आगे देखिए कितना मजा आने वाला है। मैंने आपसे बोला 55 ऑफ 900%, परसेंटेज का साइन चूंकि इंटरचेंजेबल होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज और डबल जीरो कट जाती हैं, परसेंटेज और डबल जीरो अगर मैं काटता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये कट गया, इसका 9 गुना 5 निम 45, 450 और 5 निम 45, 495, ठीक है, 495 आंसर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी तो छोटे छोटा था, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा टिपिकल लेते रहेंगे। मैंने बोला 64% निकालना है आपको 62.5 का, बताइए क्या आंसर आएगा, 64% निकालना है 62.5 का, जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बताता है। जल्दी 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 जल्दी, 64% ऑफ 62.5, और अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया तो देखिए आप तो परसेंटेज क्या निकालेंगे, आप पेपर में काटते ही रह जाएंगे कि इससे मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड किया। ध्यान से देखिए, यहां पर आपने क्या किया, परसेंटेज का साइन हटाया, ये यहां लगाया, ठीक है, 62.5 जो कि 12.5% का 5 गुना होता है, 12.5% होता है 1/8, इसका 5 गुना ही होता है, 5/8, ठीक है, इसका 64, 8 से 64 कटा है, 40 आंसर आ गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिए क्या, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा इतना परसेंट, इतना इंटू इतना परसेंट, इसकी वैल्यू एक्स है, अगर ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कन्वर्ट किया था, 5/8, ये एक्स है, और मान लेते हैं ये ए है, नीचे आ गया ए, ठीक है, तो 8 की वैल्यू अगर ये है तो 5 की क्या होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह मैं ये सीधा करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बच्चों की तरह बार बार, ठीक है। आप देखिए 65 का मतलब क्या होता है, 5/8, तो जो नीचे वाला होगा उसकी वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू 64 और पूछी किसकी है, ऊपर वाले की, जो कि 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो बताइए, मैं रिपीट करता हूं, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। समझ नहीं आया, आइए एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला 28 सही 4/7
इसका निकालना है आपको 35%, ठीक है, इसका आपको 35% निकालना है। अब जैसे जैसे आपने मेरे को जाना, आपको ये पता है कि मैं कई चीजें ऑप्शन से कराता हूँ, कई चीजें पेन फ्री कराता हूँ। पेन फ्री करने की जो बुनियाद है ना, वो क्लास से रखी जाती है। यहां से जब तक आपकी ये बुनियाद क्लियर नहीं है, तो आप आगे पेन फ्री नहीं कर सकते। आप हवा में करते रहेंगे, पर वो लॉजिकली कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि भाई परसेंटेज का साइन इंटरचेंजेबल होता है, मैंने यहां से हटा के यहां लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे पता लगी, ये क्या होता है, 14 सही 2/7, मेरा 1/7 होता है परसेंट, ये 1/7 के बराबर होता है, इसका दुगना यहाँ दिख रहा है 2/7। इसका मतलब मैंने आपको बताई थी जो नीचे वाला होता है उसकी वैल्यू ये होती है। तो 2/7 के अंदर 7 की वैल्यू 35 है, तो 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। पर उसके लिए मैं लिखूंगा नहीं, ये चीज आपको डायरेक्ट देख के प्रेडिक्ट करनी है। कितने लोग इसे बिना पेन के कर पाएंगे, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। कितने लोग इसे बिना पेन के कर पाएंगे, वाई टाइप करना है जल्दी से सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। पेपर में ये बच्चों की तरह ये 2/7 × 35 ये नहीं करते रहना है बार बार, ठीक है। जो नीचे वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है ये, ऊपर वाले की निकालनी होती है हमेशा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा भाई, ये तो कॉमन सी चीज है, ठीक है। मैं पूरे कोर्स में कराऊंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, पूरे कोर्स में हमें ये चीजें पढ़नी है। कैलकुलेशन ना इंप्रूव हो जाए तो बताना, परसेंटेज आपका SICI, प्रॉफिट लॉस यहाँ वहां सब जगह लगेगा। अब पेन फ्री मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो पेन फ्री की बुनियाद यहां से रखी जाएगी। अब मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया, अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 27 सही 3/11 ऑफ 66%, ये निकालना है मेरे को, बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताना है सभी को। 66% निकालना है इसका, कितना आएगा, बल जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 18 18 18 18। अब ध्यान से देखिएगा, और जिस लोग जिन बच्चों ने पेन फ्री किया है, वो जल्दी से एक बार MG टाइप जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ सिखा पाया हूं आपको। परसेंटेज का साइन यहां से यहां गया, 9 सही 1/11, जो कि आपका 1/11 होता है, उसका 3 गुना यहां पर है, तो मुझे पता लग गया वैल्यू किसकी है, 3/11 की। और मैंने आपको बताया था जो नीचे आता है उसकी वैल्यू यहां लिखी होती है, तो 11 की वैल्यू अगर 66 है, तो 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, 18 आपका आंसर आ जाएगा, 18 18 18 18। हाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई हाई प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है और करने का तरीका है। आप ये देखिए, ये चीज आप अगर वैसे देखेंगे आपको मुश्किल लग सकती है, पर मुश्किल नहीं है, एग्जामिनर इस चीज का ही तो फायदा उठा रहा है लगातार आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई 17.5% निकालना है 84 का, 17.5% निकालना है 84 का, देखता हूं कौन बता पाता है। अब चीजें थोड़ी थोड़ी घुमाऊंगा मैं, ट्विस्ट करूंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए ये कोई वैसा क्लास तो है नहीं आपकी, ये रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच की ही क्लास है ये आपकी, ठीक है। और जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ बेस आपको इस तरीके से पता हो। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया कल से लेके अभी तक, केवल परसेंटेज पे घुमाए जा रहा हूँ, यहाँ से वहां वहां से यहाँ। आप देखिएगा चैप्टर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर ये चीजें बहुत काम आनी है आपके, कैलकुलेशन इंप्रूव करेगी। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, हमने एक चीज पढ़ी थी यार, वो क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर प्रोडक्ट सेम रहेगा तो आंसर सेम रहेगा, है ना। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 17.5% निकालना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, अगर मैं 4 से इधर गुणा करता हूँ, 17 चौक 68 और 2 70, तो जिस चीज से इधर गुणा करेंगे उस चीज से उधर भाग हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 21 आ गया, 21 सत्ते 147, 147 तो नहीं हो सकता,
मैं इस तरीके से देखता हूँ, 70% है तो इसके करीब होगा 14.7। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17.5% ऑफ 84 निकालना था मेरे को, मेरे बस की नहीं था वैसे निकालना, पर मेरे को प्रॉपर्टी पता है एक्स वाई अपॉन 100 वाली, मैंने उसे डायरेक्ट इस्तेमाल किया। ठीक है अब जैसे कि मैंने आपसे बोला, आगे देखिएगा, मैंने आपसे बोला 6.375% ऑफ 120, ये आपको बताना है। बताइए कितना आएगा? जल्दी से बताइए कितना आएगा? 3.75% ऑफ 120। अब मैं देखता हूं 120 का अगर मैं 4 हटा लेता हूं, 4 मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है 4 क्या आप 8 भी ले सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है आप 8 ले लीजिए तो भी बात एक है, 4 ले लीजिए तो भी बात एक है। अगर मैं 4 से गुणा करता हूं इधर, ठीक है मैं देखा इसको 4 से गुणा करेंगे अगर, ठीक है तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसे 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 और 3 15 हो गया। 15% किसका निकालना है? इसे 4 से भाग किया 30 का, तो 15 3 45, 45 तो नहीं लिख सकता मैं, तो 15% निकालना है इसका, तो 4.5 होगा, 4.5 मेरा आंसर हो जाएगा, 4.5 4.5 4.5। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ रहा है तो लाइक बनता भाई सभी का, अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला 72% ऑफ 91 2/3, ये निकालना है आपको, 72% ऑफ 91 2/3, बताइए क्या आएगा? शुक्रिया भाई शुक्रिया शुक्रिया। देखिए YouTube पे क्लास केवल कल और चलेगी, ठीक है ये आप लोग डेमो भी मांग रहे थे, काफी सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर इस क्लास की डेमो चाहिए हमें, तो इसलिए, और साथ के साथ हमारी ऐप भी अपडेट हो रही है इसलिए 2-3 दिन YouTube पे था, कल और चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। चलिए जल्दी से बताइए, आइए देखते हैं। 72% है ये, अब मैं क्या करूंगा, मैं परसेंटेज हटा के इसका इधर ले लिया 91 2/3। 91 2/3 को अगर आप ध्यान से देखें तो 100 - 8 1/3, 100 क्या होता है 1 होता है, 8 1/3 क्या होता है 1/12, तो 11/12 आ गया। ये मैंने लिख के जरूर बताया है, पर जब तक मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा एक भी बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। 1/12 निकालना है इसका, और अभी अभी मैंने बताया था 11/12 निकालना है, अभी अभी मैंने बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 12 6 72, 11 6 66, तो 66 मेरा आंसर आ जाएगा, 66 66 66 66। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको ये निकालना है 32% ऑफ 250 प्लस 12.5 ऑफ 640%, ये निकालना है आपको। अब देखिए सबका अपना अपना तरीका है, देखता हूँ कौन किस तरीके से जल्दी से आंसर बताता है, ये बताना है आपको सॉल्व करने के बाद। बिल्कुल बेसिक चीज, चलिए देखिए कल की पूरी क्लास में भी परसेंटेज का बेसिक चला, आज की पूरी क्लास में भी परसेंटेज का बेसिक चला है, क्वेश्चन एक भी नहीं है,
पर जब क्वेश्चन कराने पे आऊंगा ना, एक एक क्वेश्चन यूं उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये मैंने बेस रख दिया पूरा। ठीक है, बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी, 160। आइए देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला जीरो हटा के यहां पर लगा देता हूं, ये वाला परसेंटेज हटा के यहां लगा देता हूं, तो मैं कर सकता हूं ऐसा। मैंने आपसे बोला था प्रोडक्ट सेम होना चाहिए और परसेंटेज इंटरचेंजेबल होता है। ऐसी मैं यहां देखता हूं, अगर मैं ये परसेंटेज हटा के यहां लगा देता हूं, 12.5 की जगह अगर मैं 25 करता हूं, 2 से गुणा, तो इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। अब आप देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, आपने देखा 320 का 25%, 320 का 25%, 320 का 50%, यानी 160 आपका आंसर हो गया। तो परसेंटेज की कैलकुलेशन जब भी आप करें, इन चीजों का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो 160 सभी का आंसर आना चाहिए। 160, 160, 160, 160 आएगा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब ये चीज देखिएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि भाई x परसेंट ऑफ y निकालें आप तो भी ये आएगा, y परसेंट ऑफ x निकालें तो भी यही आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो आंसर सेम आता रहेगा, यानी अगर आप x को 2 से भाग कर दें, y को 2 से गुणा कर दें, आंसर सेम रहेगा। x को 4 से भाग कर दें, y को 4 से गुणा कर दें, आंसर फिर भी सेम रहेगा एक्स वाई। इसलिए जब तक प्रोडक्ट सेम रहेगा आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के आगे भी परसेंटेज लगा सकते हैं। अब जैसे कि आगे मैं पढ़ता हूं, कई जगह हमें क्या करना पड़ता है, नेट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पी इक्वल्स टू एक्स वाई, एक चीज अगर दो के प्रोडक्ट पर निर्भर है, एक चीज अगर दो के प्रोडक्ट पर निर्भर है। आप ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, एक चीज जो दो के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपने पढ़ा रखा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी आप पढ़ते हैं जिसके अंदर एक चीज बाकी दो पे निर्भर करती है। अगर दोनों में ही इंक्रीमेंट है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर दोनों में, एक में इंक्रीमेंट है एक में डिक्रीमेंट है, तो जिसमें डिक्रीमेंट है उसकी जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों में ही डिक्रीमेंट है तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बहुत बेसिक सी बात है ये। ठीक है, अब ये पता होना बड़ी बात नहीं है, तो एक एक बच्चे को पता है, इसमें मैंने कोई सी नई बात नहीं बताई आपको। ठीक है, परंतु जहां भी दो लगातार, या तो दो लगातार इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, चेंजेस हो, या फिर दो चीजों पे एक चीज डिपेंड कर रही हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि किसी चीज की वैल्यू पहले 5% बढ़ी और फिर 8% बढ़ी, आप ये बताइए नेट कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, एक एक पहले सैलरी बढ़ी किसी की 5%, फिर 8% बढ़ी, तो आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। आपको केवल फोकस करना है इस वाले पार्ट पर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपकी स्क्रीन पे लिखा ही होगा जब भी पूछा होगा। तो 5 8 40 हो गया, 40 को 100 से भाग करूंगा 0.4, 8 और 5 13, तो 13.4, 13.4 आपका नेट रिजल्ट हो जाएगा, 13.4। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, 5% और 7% का मुझे नेट निकालना था, और अगर आपने ये चीजें भी पेन लगा के करी तो देखिए मैं तो क्या कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपका। ठीक है, ये सच बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों के लिए लगातार लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, लिखना नहीं है, समझना है चीजों को। 5 और 7 का नेट निकालना है अगर, ठीक है, फोकस किस पे करना है, एक्स वाई अपॉन 100, 5 7 35, 0.35, 5 और 7 12, सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, 15 और 8, 15 8 120, 120 का मतलब हो गया 1.2,
तो 23 प्लस 1.2 24.2, पर लिखेगा कोई भी नहीं, ठीक है। ऐसी मैं देखता हूं 13 और 7, अगर इंक्रीमेंट हो गया 13 सत्ते 91 यानी 0.91, 13 और 7 20 हो गया। 14 और 6 है, 14 छिक 84 0.84, 14 और 6 20, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। 20 और 22 का नेट आपने देखा 22 दूनी 44, 440, 440 का मतलब है 4.4 किस में जुड़ेगा, 42 के अंदर 46.4% आपका नेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेट निकाल सकते हैं, कोई भी परसेंटेज आपको दे रखी है लिखना नहीं है, ठीक है। अब मैं आप सभी से पूछूंगा, एक बार आप सभी को बताना है, ठीक है, सभी को बताना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं 9 और 13 का नेट बताइए, 9 और 13% का इंक्रीमेंट है, नेट बताइए कितना रहेगा, जल्दी से। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे पहले एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, देखिए जब तक ये मैं अलग से लिखूंगा, जब तक मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूं, देखिए बोल नहीं रहा इसे, जब तक एक्स वाई अपॉन 100 की वैल्यू, एक्स वाई अपॉन 100 की वैल्यू नहीं, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू 100 नहीं हो जाती, ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा आपको कहां कहां यूज है। तब तक 1% नेट में इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। बात का मतलब समझिएगा, ये मैंने सामने ही लिख दिया आपके, जब तक एक्स वाई की वैल्यू 100 नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं किसी ने आपसे पूछा कि भाई इसका नेट बताओ 5-7 लगभग बताना है, आपने देखा इसका प्रोडक्ट 100 नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हैं 12 और 13 के बीच। किसी ने बोला आपको 10 और 9 का बताओ, आपने देखा प्रोडक्ट 100 नहीं है, आपने कहा 19 और 20 के बीच, ठीक है। तुरंत देखते ही पता लगना चाहिए, मैंने बोला आपसे 6 और 8 का नेट बताओ, 8 6 48, आपने बोला 8 और 6 14 के करीब, 14 और 15 के करीब, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 7 और 10 नेट बताओ, आपने कहा 17 से बड़ा होगा 18 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने से तुरंत पता लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता लग रहा है इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट 100 से कम है, जब तक 100 से कम रहेगा 1% भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने आपसे पूछा था 13 और 9, 13 निम क्या होता है 117, यानी 1.17 जुड़ेगा किसमें, 13 और 9 22 और 1 23, 23.17 आएगा, 23.17 बिल्कुल। 13 और 9 का मैंने आपसे पूछा था, ध्यान से देखिए, 13 और 9 का मैंने आपसे पूछा था, 13 निम कितना होता है 117, यानी 1.17, 100 से भाग करेंगे किसमें जुड़ेगा, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23.17, ठीक है। और अगर एक्स वाई की वैल्यू देखिए ध्यान से, एक्स वाई की वैल्यू अगर 100 है तो 1% जुड़ेगा, 200 है तो 2% जुड़ेगा, 300 है तो 3% जुड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा 12 और 20 का नेट बताइए लगभग कितना आएगा, लगभग बताइए, लगभग पूरा एक्यूरेट नहीं पूछा मैंने, लगभग पूछा है। आपने देखा 12 दूनी 24 यानी 2% और जुड़ जाएगा, 20 और 12 32 और 2 34, 34 और 35 के बीच में आएगा, ये मुझे सीधा सीधा पता है 34 और 35 के बीच में, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी, क्लियर है तो वाई टाइप करिए एक बार, जल्दी से वाई टाइप करना है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत ही शानदार। अब कई जगह क्या होगा, देखिए परसेंटेज की दूसरी क्लास एक भी क्वेश्चन नहीं होगा अभी तक, पर मुझे पता है जो मैंने कराया ना उससे बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन में मैं जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक स्ट्रॉन्ग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही तीन चीजों में नेट आ जाता है, जैसे कि मैं देखता हूं यहां पर तीन का नेट पूछा गया आपसे, पहला 2%, 3%, फिर 4% नेट आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, दो और तीन का नेट निकालते हैं आप 5.06, 5.06 का चार के साथ निकालते हैं कितना आ गया। अगर आप फोकस करें उस पर, प्रोडक्ट पर, 5 चौक 20, 24, 0.2024 किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये आपका नेट आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ये क्वेश्चन आता भी बहुत कम है। ठीक है, पर इसको अप्रोक्सीमेट निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, वैसे पूरा निकालना है तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और काफी जगह हम देखेंगे ऑप्शन वगैरह से भी काम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपसे बोला अप्रोक्सीमेट निकालिए 2, 3, 4, अब मैं कैसे करूंगा, मैंने देखा 2 और 3 का प्रोडक्ट जो है वो 100 से बड़ा नहीं हो सकता, बहुत छोटा है, तो आंसर कितना आएगा, लगभग 5, है ना। फिर मैंने देखा 5 और 4 का नेट क्या होगा, 5 और 4 का प्रोडक्ट देखा मैंने, 5 चौक 20 यानी 0.20, तो मुझे पता लग गया 9 और 0.20, 9.2 के करीब आंसर आएगा, यानी ये मेरे को 9.2 के करीब आंसर दिख रहा है, तो नेट मैं इतनी आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब मैंने बोला 3, 4, 5 इसका नेट निकालना है, मैंने देखा 3 और 4 का मैं नेट निकालता हूँ तो कैसे निकलेगा, 3 और 4, 7, 0.12 मान लेते हैं, अभी इग्नोर ही कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट निकाल लूँ क्योंकि छोटी वैल्यू है, 7 और 5 का, 7 और 5, 12, और 7 पंजे 35, यानी 12.5, 12.4 के करीब मिलेगा, तो 12.4 आपका आंसर आ गया। ये लगभग वैल्यू है, लगभग वैल्यू हम काफी जगह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए अब आया है क्वेश्चन कहीं जाके, लगभग 2 क्लास खत्म होने के बाद, बेसिक है वो पूरा पूरा पढ़ना जरूरी है। इतना संख्या में से घटाया जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या इतनी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है शुरुआती संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, 270। अब ध्यान से देखिएगा, एक संख्या का इतना उसमें से घटा दिया जाता है, ये कितना होता है, 1/6, 6 में से अगर 1 घटा दूंगा तो बचेगा कितना, 5/6। ठीक है, यानी कोई वैल्यू अगर 6 थी तो वो अब 5 हो गई, और आप देख सकते हैं कि भाई 5 की वैल्यू कितनी है, 225। 6 की मैं निकालता हूं, ठीक है, अगर ऑप्शन होते तो हम ये देख सकते थे 9 का मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, अब ऑप्शन नहीं है तो आप देख सकते हैं 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 गुना, अगर मैं इसका 45 गुना निकालता हूं तो 270 आ जाएगा, 270 मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा क्वेश्चन है, परंतु अगर पेपर में जाए और ऐसा क्वेश्चन है, और अगर आप पेन लगाएं तो लानत है हमारे पढ़ाने पर, ठीक है, और आपके पढ़ने पर भी, आप पेपर में जा रहे हैं आपके सोच रहे हैं लिखेंगे इतना, इतना नहीं लिखना है, तो जैसे समझाया मैंने आपको वैसे ही आपको करना है। ठीक है, आप देखिए 16 सही, 2/3% घटाया गया, इसका मतलब क्या होता है, 1/6, 6 में से 1 घटाया तो क्या मिला, 5, अब तो 5 है ना, 5 की वैल्यू कितनी है, 225, कितने गुना, 45 गुना, 6 का कितना, 45 गुना, कितना, 270, वो आपका आंसर हो जाएगा, 270 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 इज एडेड टू अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ इटसेल्फ, तो ओरिजिनल नंबर बताना है। बताइए क्या आएगा, सीधा आंसर है, देखिए
जल्दी से बताना है सभी को, 550। ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर वो इतना बढ़ गया, इतना हो गया, तो यानी कितना बड़ा, इतना बढ़ गया 37.5%। 37.5% को अगर आप गौर करें तो 12.5% का 3 गुना होता है, इसका 3 गुना, तो यानी 3/8 हो गया। यानी कोई नंबर अगर आपके पास 8 यूनिट था, उसमें 3 का इंक्रीमेंट हो गया। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210, 70 गुना। 8 का 70 गुना कितना हो जाएगा, 560। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए। कभी कभी बिना लिखे करने से रॉन्ग हो जाता है, स्टार्टिंग में रॉन्ग होगा, बाद में बिल्कुल सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में गलत हो सकता है, मैंने बोला है ना पूरा बैच हम कर रहे हैं, जैसे जैसे लास्ट तक पढ़ेंगे कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा यार, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए कितना मजा आने वाला है। पर आदत यहीं से डलेगी, अगर मैं यहाँ भी लगातार लिखता रहूंगा आप भी लिखते रहेंगे, कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने, सामने समझो और दिमाग में रखो बात को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये 5670, तो वास्तविक संख्या है। इंस्पेक्टर 40 की क्लास देगी शाम को 5:30, लगभग 1 घंटे बाद, ठीक है, होगी यूट्यूब पर ही, सभी लोग आ जाइएगा यूट्यूब फेसबुक पर, ठीक है। जो 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है नेट की वजह से, वो आज कंटिन्यू करेंगे। ये भाई प्री प्लस मेंस का बैच है, मेंस तक जाएगा। आइए देखते हैं, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 क्या होता है, 1/15। अब बच्चे ना इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, 6 सही 2/3 और 6 सही 1/4। देखिए 3 वाला आएगा तो 15 आएगा, 4 वाला आएगा तो 16 आएगा, इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 6.25% होगा तो ये 16 वाला होगा, 6.66666 वाला होगा तो ये 1/15 होगा। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, 15 में से अगर आप 1 घटाते हैं, क्योंकि ये घटाना है, बचा कितना, 14, 14 की वैल्यू है 5670, 15 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखते हैं 14 चौक 56, फिर 0, 14 पंजे 70, 405 से गुणा करना है, तो 15 चौक 60 होता है, यानी 6000 और 15 पंजे 75, 6075। अगर ऑप्शन होते तो आप यहां पर 9 का मल्टीपल देख सकते थे। आगे जब क्लास में पढ़ेंगे हम ऑप्शन वगैरह सब लेके चलेंगे, कल की क्लास से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ ये देखिए प्रैक्टिस है, जैसे जब आप जिम वगैरह करने जाते हैं वार्म अप होता है ना, ये वार्म अप है, और ये वार्म अप आपको बिना पेन के करना है सबसे पहली चीज, ठीक है। जब तक आप ये बिना पेन के नहीं करेंगे आगे वाली कैलकुलेशन टाइम लेंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 6075 आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बोलता हूं इसे करने से पहले एक बात समझिएगा, बात क्या है, जैसे कि अभी हमने P इक्वल्स टू एक्स वाई पढ़ा, 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमने नेट निकाला, कई बार नेट की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन किसी और चीज पे बेस होगा। जैसे कि देखिए इसमें ना 3 चीजें कांस्टेंट हो सकती है, या तो P कांस्टेंट हो तो एक्स वाई पे उल्टा निर्भर करेगा, दूसरी चीज एक्स कांस्टेंट हो तो पी वाई पे सीधा निर्भर करेगा, तीसरी चीज वाई कांस्टेंट हो तो पी एक्स पे सीधा निर्भर करेगा,
ठीक है, इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ऐसा कोई फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो इसमें तीन में से कोई एक चीज कॉन्स्टेंट हो सकती है एक बारी में, ठीक है। आपने देखा कि अगर वर्क कॉन्स्टेंट है तो एफिशिएंसी टाइम पे उल्टा निर्भर करेगी। सीधी सी बात है, एक काम आपको करना है, एक काम हम लोगों को करना है, मेरे को और आपको, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ई ज़्यादा तो टी कम, लॉजिकल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ई कॉन्स्टेंट है तो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। यानी अब ई कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, जो आदमी काम कर रहा है वो कॉन्स्टेंट है, उसी के साथ कंडीशन दे रखी है। तो यानी अगर मैं ही हूं, मैं कोई काम करता हूं तो मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, तो वर्क प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया। अगर यहीं पर टी कॉन्स्टेंट है तो वर्क एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है सीधा, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपके सामने, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी टाइम आप में सब बच्चा समझता है, हर बच्चा पढ़ता है वो, तो इस चीज का रिलेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब, जैसे कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब क्या है, पी वन अपॉन पी टू वाई वन अपॉन वाई टू के बराबर हो जाएगा। पी वन अपॉन पी टू यानी जो अनुपात पी का होगा वही अनुपात एक्स का हो जाएगा, हिंदी में तात्पर्य यही है। अब यहाँ P कॉन्स्टेंट है, X इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Y, जो अनुपात X का होगा Y का अनुपात उससे उल्टा होगा, ठीक है। तो सारी कहानी आपके सामने है, सारी चीजें मैंने खोल के लिख दी है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे को ये बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे हम कल करेंगे, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कल की क्लास और चलेगी आपके यूट्यूब पर, उसके बाद मंडे से आपकी रूटीन क्लास एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे रहेगी, प्री प्लस में सीजीएल 2020 बैच की, ठीक है। सीजीएल 2020 एक स्पेसिफाइड लेवल है, चाहे सीएचएसएल के हो आप, एनटीपीसी के हो, सीपीओ के हो, सभी बच्चे इस बैच को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम पर, और शाम को